ध्यान करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अपने मन को शांत और स्थिर नहीं कर सकता, और मैं किसी भी आसन में बहुत देर तक नहीं बैठ सकता। ध्यान करने का कोई भी सही तरीका मेरे लिए नहीं है। ध्यान करना तो साधु संत महात्माओं का काम है, फिर मेरे पास इतना समय कहां कि मैं अपनी आंखें बंद करके यूं ही बैठा रहूं? क्या ध्यान करने से मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आप ध्यान के नए साधक हैं, बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको ध्यान करने के कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो जाएगा। इसमें आपको समय की भी बचत होगी। सबसे पहली बात आपको समझनी होगी, हम ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करने की जरूरत क्या है। ध्यान हम करते हैं अपने मन पर काबू करने के लिए, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए। और मन की जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि मन में कई सारी तस्वीरें एक साथ उभर आती है, क्योंकि मन का एक लक्षण है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपका मन स्वचालित तरीके से, ऑटोमेटिक रूप से अपने आप ही चलता रहता है। तो हार्वर्ड के एक मनोवैज्ञानिक ने इस पर केस स्टडी किया, क्या मन के किसी विशेष विचार को दबा पाना संभव है। और इसके लिए उन्होंने साधकों के एक बहुत बड़े ग्रुप पर केस स्टडी किया। लगभग 60 लोग उस केस स्टडी में शामिल हुए और साधकों से यह कहा गया, आप अपने मन की आंख से अपने मन में सफेद भालू देखेंगे। याद रखें, सफेद भालू के अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है, केवल सफेद भालू ही देखना है। साधकों ने अपनी अपनी आंखें बंद की और 5 मिनट के बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। कई सारे साधकों ने यह बताया कि ध्यान के दौरान सफेद भालू पर जब मैंने ध्यान केंद्रित किया तो कुछ ही सेकेंडों में मेरा ध्यान भालू से हटकर कुछ अलग तस्वीर पर चला गया जो भालू से बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी। तो लगभग 95% साधकों ने यही अपना अनुभव शेयर किया। और फिर एक दूसरे तरह की केस स्टडी की गई। इस बार कहा गया कि आप फिर से 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और इस बार आपको सफेद भालू नहीं देखना है। याद रखें, आपको सफेद भालू नहीं देखना है। आप अपने मन को खुला और स्वतंत्र छोड़ दें। आपका मन जिधर जिधर जहां जहां जाना चाहे उसे जाने दें। आप दृष्टा बनकर अपने मन के विचारों को देखते रहे। और सभी साधकों ने आंखें बंद की और कुछ ही मिनटों में कई सारे साधक अपने आप ही शांत और स्थिर हो गए। और 5 मिनट बाद जब साधकों ने अपने अनुभव शेयर किए तो लगभग 95% साधकों ने बताया कि अचानक ही उनका मन शांत और स्थिर होने लगा। तो इस केस स्टडी से एक बात निकल कर ये सामने आई कि आप अपने मन के विचारों को जितना दबाना चाहेंगे और विचार उत्पन्न होते चले जाएंगे। आपके मन में ऐसे भी विचार भर जाएंगे जो पहले से आपके दिमाग में मौजूद नहीं है। और जब आप अपने मन को खुला छोड़ देते हैं, इसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं, एक विचार से दूसरे विचार तक अपने मन को जाने की अनुमति देते हैं, तो आपका मन अपने आप ही शांत और स्थिर होने लगता है। इस केस स्टडी से एक बात
निकलकर सामने आई कि चंचल मन ऑटोमेटिक ही स्थिर मन की तरफ बढ़ता है, यह विश्राम की तरफ बढ़ता है। और जब मन के विचारों को आप दबाते हैं तो आपका मन आपको और परेशान करता है, यह अशांत और अस्थिर हो जाता है। दूसरी बात कि मेरे लिए ध्यान का कोई सही तरीका नहीं है। ध्यान का सही तरीका आपके लिए भी है। आप बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान के नए साधक हैं तो साधु संत महात्माओं की तरफ यदि आप पद्मासन, वज्रासन या कोई कठिन आसन लगाते हैं तो फिर आपके शरीर का पोस्चर ही आपके लिए ध्यान में बाधा बन जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे आप प्रतिदिन कुर्सी पर बैठकर टीवी देखते हैं या सोफे पर बैठकर आप अपना फेवरेट टेलीविजन शो देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कुर्सी पर बैठनी है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने पीठ के पीछे कोई तकिया रखें और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें और आंखें बंद करके आप अपने मन को बिल्कुल खुला और स्वतंत्र छोड़ दें। आप ऐसा महसूस करें कि आप अपना फेवरेट टेलीविजन शो देख रहे हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही पल में धीरे 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 आपका मन शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर जब आपके लिए बाधा नहीं बनता तो आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जब आप कोई कठिन आसन लगाएंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा और उस दर्द के कारण आपका मन विचलित हो जाएगा, आपका शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा और आप बहुत देर तक ध्यान में टिक नहीं सकते। तो एक बिगिनर के रूप में यदि आप आसन लगाकर ध्यान करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत 5 मिनट से करें और 5 मिनट जब आपके लिए सुखद और सहज हो जाएगा तो फिर इस अवधि को आप 10 मिनट तक बढ़ा दें और 10 मिनट के बाद 15 मिनट, फिर आधे घंटे। जैसे जैसे आपके अंदर ये आनंद और सुखद स्थिति महसूस होनी शुरू हो जाएगी, ध्यान की अवधि अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी और आपका आसन भी सिद्ध होता चला जाएगा। और तीसरी जो बात है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस दुनिया में केवल एक ऐसी चीज है जो समय को भी वापस करता है और वह है ध्यान। आप जितने समय के लिए ध्यान करेंगे वह समय फिर से आपको वापस मिल जाता है। हमारी दो तरह की एज होती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज और एक बायोलॉजिकल एज। हमारी क्रोनोलॉजिकल एज प्रत्येक 12 महीने बाद बढ़ती है और बायोलॉजिकल एज कभी बहुत तेज गति से तो कभी बहुत धीमी गति से बढ़ती है, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल एज का संबंध हमारे जीवन में चिंता, तनाव और स्ट्रेस से है। आपके जीवन में जितना अधिक चिंता और तनाव होगा आपकी बायोलॉजिकल एज उतनी ही जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाएगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आपने सुना होगा, 39 इयर्स की अवस्था में उनकी हत्या कर दी गई थी और डॉक्टरों ने जब उनके बॉडी पर ऑटोप्सी किया तो डॉक्टरों ने कहा यदि ये डॉक्टर किंग नहीं होते तो हम कहते ये कोई 60 साल का बुढ़ा है, क्योंकि डॉक्टर किंग के शरीर में इतनी चिंता, तनाव और स्ट्रेस भरी हुई थी कि उनका शरीर 60 साल के बूढ़े के समान प्रतीत होता था। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि मेडिटेशन, ध्यान आपके बायोलॉजिकल एज को भी रिवर्स कर देता है। यदि आप 30 साल के हैं और आपने ध्यान करना शुरू किया और लगातार आप 35 साल तक ध्यान करते रहे तो आपकी बायोलॉजिकल एज
7 साल कम हो जाती है, आप 23 साल के युवा और नौजवान दिखने लगते हैं। 35 साल की उम्र में भी आपके त्वचा में एक इलास्टिसिटी होती है, ये मुलायम होती है, और आपके शरीर में एक सेक्स पावर भी होता है, आपके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी दृष्टि क्षमता बढ़ जाती है, और यहां तक आपकी यादाश्त भी बढ़ जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करने से मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 पति-पत्नी थे और पत्नी पेशे से वकील थी। वे दोनों प्रतिदिन रेस्टोरेंट में भोजन करने जाया करते थे और प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच झड़प हो जाती थी। कोई कहता तुम गलत हो मैं सही हूं, तुम गलत मैं सही, इसी बात को लेकर पत्नी रूठ करके क्रोधित होकर के बीच में ही खाना छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती थी। और इसी दरमियान उसकी पत्नी किसी मेडिटेशन सेंटर में जाकर वो मेडिटेशन करने लगी, और लगभग 5-6 महीने बाद जब पति पत्नी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, फिर से उनके बीच झड़प हुई और पति ने कहा तुम गलत हो, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कोई बात नहीं ऐसा होता है। और उसका पति उसको देखकर बिल्कुल हैरान था, आज ऐसा क्या है जो इसको थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ, इसका चेहरा थोड़ा भी लाल पीला नहीं हुआ, इसके अंदर थोड़ी भी बेचैनी नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया अब मैं ध्यान करती हूं, 6 महीने ध्यान करने के बाद मेरा मन अंदर से बदल गया है, मेरे माइंड का जो सेटअप है वो पूरा सेटअप ही बदल चुका है, अब मुझे क्रोध नहीं आता, मैं कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होती। तो अपने जीवन में हम जो कुछ भी काम करते हैं इसी शरीर और मन से करते हैं, और यही मन हमारे शरीर को चलाता है। तो यदि आप ध्यान करने लगते हैं और ध्यान आपको घटित होने लगता है, तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिम्मेवारियां हैं, जो भी बोझ है, वो सब कुछ तो अपनी जगह पर होता है, लेकिन उन सब के होने के बावजूद भी आपके मन में एक सकारात्मक भाव रहता है। जैसे पेड़ की पत्तियों पर जमी हुई धूल तेज हवा के झोंके से नीचे गिर जाती है, ठीक उसी प्रकार आपके मन में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, जो कुछ भी होता है, सुबह सुबह जैसे आप ध्यान करते हैं वो सब कुछ गायब हो जाता है। और यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आपका मन एक दायरे में सेट हो जाता है और उस मन पर आपका काबू होता है। जब आप अपने मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, एक विचार से दूसरे विचार की तरफ आने जाने की अनुमति देते हैं और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, तो न केवल आपका शरीर विश्राम की अवस्था में जाता है, बल्कि आपके मन में भी एक उच्च कोटि की सुव्यवस्था और क्षमता पैदा हो जाती है। आपके मन में जो विचार है वो आपके लिए बाधा नहीं बनते, विचार तो आते जाते रहेंगे, आप मात्र दृष्टा बने रहें, साक्षी भाव में सब कुछ देखते रहें। जब आप अपने मन को काबू करने में थोड़े बहुत सक्षम हो जाएं, तब आप ध्यान की बारीकियों को सीखें, आप अपनी सांसों को देखना शुरू करें, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आती जाती हुई सांसों को देखें, केवल देखते रहें, कुछ नहीं करना है आपको, किसी एक चीज पर ध्यान फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप प्राकृतिक रूप से अपनी सांसों को ही देखते रहें। आपकी सांसें जैसे जैसे आपके शरीर में अंदर प्रवेश करती हैं, बाहर निकलती हैं, उनके प्राकृतिक लय को, उनके तरंग को आप देखते रहें, उसके साथ आप एक हो जाएं।